किसी भी कला के क्षेत्र में हो चाहे मदारी हो या जादूगर हो पॉपिट्स हो ढोल थाली हो या काल मिले रहती हो पैसे के अभाव में वाहवा मिल जाती है तालियाँ मिल जाती है शील्ड और सर्टिफिकेट बहुत सारे मिल जाते हैं हमारे पास कम से पाँच सौ से ज़्यादा सर्टिफिकेट हो गए शील्ड इतने पड़े हैं कि उसको बोरियों में भर के रखना पड़ता है लेकिन पैसे नहीं मिल पाते हैं कलाकार पैसों के पीछे आगे हार जाता है क्योंकि पेमेंट इतना मिलता नहीं है और मीडिया का ज़माना है तो जितने पैसे चाहिए जितने पैसे मिलने चाहिए वो कलाकारों को नहीं मिलना चाह रहे नहीं मिल पाते हैं हमारे साथ हैं अभी गोपाल जादूगर और योगिता जादूगर दो ये बाबा हैं ये उनकी पोती हैं पूरा परिवार ही जादू करता है जैसा कि आप अभी देख रहे होंगे कि कैसे जादू करते हैं ये पढ़ाई भी करती हैं इनकी दो पोतियाँ हैं जो बाहर रह के पढ़ाई करती हैं इनसे जानते हैं कि ये जादू क्या है और ये परंपरा ये कब से निभा रहे हैं इनके परिवार में ये पीढ़ियों से चला आ रहा है आ, ये जादू आप कैसे सीखे मैं एक टेंट की सर्विस करता था वहाँ पर जो अभी जो अशोक गहलोत मुख्यमंत्री राजस्थान के रहे हैं उनके पिताजी बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत वो अच्छे जादूगर हुआ करते थे और ज़ाहिर है उनका लड़का जो अशोक गहलोत है जो मुख्यमंत्री रहे वो भी जादूगर थे तो मैं जहाँ टेंट लगाने जाता था तो उनके शो होते थे तो मैं अपना टेंट लगा के उनका जादू देखता था जादू देखते देखते मुझे ऐसा लगा कि जादू में कर कैसे थे नॉट कैसे बना लेते कोई फूल का कलर कैसे चेंज करते थे हर बार मेरे जिज्ञासा रहती कि मैं भी जादूगर बन जाऊँ तो कैसा रहता है लेकिन जो जादूगर होते हैं अपने दजदीक किसी को आने भी नहीं देते हैं लेकिन मैंने कोशिश करी लगन रखी और धीरे धीरे सीख गया तो मैंने गुरु भी उनको ही बनाया था अशोक गलत को जो पिताजी हैं अशोक गलत मेरे गुरु भाई हैं उसके तो बाद मैंने खुद का शो शुरू किया इसको आगे कितना ले जाना है आगे सर हम चाहते हैं पूरा वर्ल्ड में हमारा नाम हो लेकिन नाम हो चुका है मेरा लड़का जो वर्ल्ड मेजिशियन है उन्नीस के अड़तीस जो में शो कर चुका है फिर मेरी वाइफ राजस्थान की प्रथम महिला जादूगर का उनको 92 में अवार्ड मिला और मेरी पोती जो है दुनिया के दस देशों में कंपटीशन करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया और पहले नंबर पर उनको ख्याति प्राप्ति हुई और मेरी पोतियाँ भी अच्छा जादू कर लेती है और अपना शो अलग से भी करती हैं तो एक, एक, एक ऐसी जीवित कला है जो पूरा परिवार एक साथ बैठ के इस कला को देखते हैं तो हमने इस कला को अभी आगे बढ़ाने के लिए हम लोग शादियों में शो करते हैं शादी में नाच गाने होते थे वो कम हो गए तो हम लोग शादी में प्रोग्राम करते हैं बर्थडे पार्टी पे शो कर देते हैं स्कूलों में जाके शो कर देते हैं चलो दुनिया पैसे की दीवानी और पैसे के लिए आदमी देश विदेश भागता है दौड़ता है ये रुपये हमारे पास रड़ वन टू थ्री गर्मी हो गई ज़्यादा ऊपर चलेगा पंखा और होगी रुपयों की बारिश योगिता आप जो है ये हाथ की सफाई और जादू को किससे सीखा आपने दादी से सीखा या बाबा से सीखा दादाजी से आप ये बताएं कि आप किस क्लास में पढ़ाई करती हैं मैं स्टैंडर्ड में हूँ अच्छा तो आपको ये सब करने के लिए समय मिल जाता है कितना कठिन काम है या बहुत आसान काम है नहीं अगर प्रैक्टिस हो जाती है तो फिर इजी लगता है लेकिन पहले थोड़ी मुश्किल होती है और ये तो शुरुआत से ही जब मैं पाँच छः साल की थी उसी टाइम से सीखती आई इसीलिए पाँच साल से आप जादू कर रहे हो अब ये चीज़ बताएं कि जब एग्ज़ाम देने जाते हो वहाँ भी कुछ जादू करते हो क्या नहीं वो तो सिर्फ पढ़ाई से ही होगा वो पढ़ाई से होगा तो कैसे क्या क्या कर लेते हो अभी मैं देख रहा था बहुत सारे कबूतर भी उड़ा दिया आपने हाँ ये सब तो बस प्रैक्टिस से ही होता है हाथ की सफाई और कुछ नहीं क्या बनना चाहते हो बहुत बड़ा जादूगर या कहीं बहुत बड़ा पढ़ लिख के नौकरी करना है वैसे तो पढ़ लिख के नौकरी करनी है पर ये जादू भी साथ साथ में चलता रहेगा बच्चे आपके साथ में आपके जादू को कर रहे होते हैं और सीख रहे होते हैं कैसा लगता है कि आप प्रमोट करते हैं या आप चाहते हैं कि किसी दूसरे काम में जाएं नहीं मैं चाहता हूँ साहब ये भी एक ऐसी कला है कि आज अगर कोई बिना पढ़ा लिखा भी है तो एक महीने में तीस से चालीस हज़ार रुपये आराम से कमा लेता है और अगर पढ़ा लिखा इंसान है और इस कला को आगे ले जाना चाहता है तो कोई बुरा नहीं है बिजनेस भी बहुत अच्छा है आज एक जादूगर के पास कम से कम पचास से साठ लोग काम करते हैं तो सरकार का आधा काम तो सर्कस और जादूगर लोग नौकरी का दे देते हैं एक सर्कस के अंदर कम से तीन सौ कलाकार काम करते हैं जादूगर के अंदर सत्तर से अस्सी कलाकार काम करते हैं तो हमारे भी जब शो शुरू हो शो होता है स्टेज शो तो उसके अंदर 20 से 25 कलाकार हमारे साथ स्टेज पे काम करते हैं तो ये कला भी कोई बुरी नहीं है लेकिन सरकार के अभाव में हम पीछे रह गए सर विदेशों में हम लोग जो शो करते हैं विदेशों में वैसे तो बहुत से बड़े बड़े जादूगर होंगे लेकिन हम ले एक अलग कल्चर प्रोग्राम लेके राजस्थानी थीम लेके गए थे राजस्थानी ड्रेस राजस्थानी वेशभूषा और साथ में राजस्थानी कालबिल नृत्य और साथ में राजस्थानी पॉपिट पॉपिट शो इस सबको मिला के हमने विदेशों में शो शुरू किया तो दुनिया के करीब मेरा लड़का अड़तीस देशों में शो कर चुका है लेकिन मैं ज़्यादा नहीं गया मैं करीब चार से पाँच कंट्री में गया हूँ शो करने के लिए ज़्यादातर हमारा अफ्रीका में शो चलता है अभी मेरा लड़का अफ्रीका में शो कर रहा है बच्चे इतने टॉपर हैं इससे जो बड़ी वाली लड़की है नूतन वो अभी जोधपुर में ज़िले में तीसरा नंबर था सरकार की तरफ से उसको एक लाख रुपये की एक स्कूटी ना मिली बच्चे इतने टैलेंट हैं उससे बड़ी वाली जो लड़की है विशाखा जो दुनिया के दे, दस देशों में कंपटीशन जादू में कंपटीशन करके हिंदुस्तान का नाम रोशन किया वो अभी हिंदु जो पूरे ज़िले में टॉपर थी अभी चंडीगढ़ में जज की पढ़ाई कर रही है तो खेल के साथ साथ बच्चे पढ़ने में भी, भी टॉपर है ऐसा नहीं है कि हम लोग खेल दिखा रहे हैं तो स्कूल से छूट गए वो नहीं पढ़ाई सबसे पहले आगे जाएगी अगर पढ़ाई होगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे पढ़े नहीं होंगे तो कुछ नहीं होगा योगिता ये बताएं कि जब आप अपने स्कूल में जाते हो ये जादू करते हो तो वहाँ कैसा रिएक्शन होता है आपके जो दोस्त हैं वो क्या बोलते हैं सब लोग मुझे अप्रीशियट करते हैं कि बहुत अच्छा किया ये सब बहुत अच्छा लगता है उन लोगों को भी जब मैजिक शो करते हैं स्कूल में तो क्लास रूम में भी कभी जादू जादू दिखाते हो मान लीजिए कभी मैम की बात पसंद नहीं आई कबूतर उड़ा दिया नहीं ऐसा तो नहीं स्कूल में सिर्फ पढ़ाई करते हैं वैसे ओकेज पे मैजिक शो रखते हैं स्कूल में आप इस कला से अपने परिवार को चला पा रहे हैं अपने परिवार को अच्छे से वो एक सुविधाएं दे पा रहे हैं देखिए अभी हिंदुस्तान में नहीं राजस्थान के जितने भी कलाकार हैं हिंदुस्तान के बॉम्बे में बड़े बड़े कलाकार तो अपनी रोजी रोटी कमा लेते हैं लेकिन राजस्थान की कला किसी भी कला के क्षेत्र में हो चाहे मदारी हो या जादूगर हो पॉपिट्स हो ढोल थाली हो या काल कालबिलती हो पैसे के अभाव में वाह मिल जाती है ताले मिल जाती है शील्ड और सर्टिफिकेट बहुत सारे मिल जाते हैं हमारे पास कम से पाँच सौ से ज़्यादा सर्टिफिकेट हो गए सील्ड इतने पड़े हैं कि उसको बोरियों में भर के रखना पड़ता है लेकिन पैसे नहीं मिल पाते हैं कलाकार पैसों के पीछे आगे हार जाता है क्योंकि पेमेंट इतना मिलता नहीं है और मीडिया का ज़माना है तो जितने पैसे चाहिए जितने पैसे मिलने चाहिए वो कलाकारों को नहीं मिलना चाह रहे नहीं मिल पाते हैं एक शो का आपका कितना रहता है जो हिंदुस्तान में अगर कहीं करना हो तो आपको एक शो का कितना पैसा नहीं जैसे बड़ा शो हम करते हैं लॉयंस क्लब का डिओ क्लब का रोटरी क्लब का जो थिएटर शो करते हैं चैरिटी शो होता है तो वो उस पूरा शो का चैरिटी में पैसा जाता है हम एक शो के साठ से सत्तर हज़ार रुपये लेते हैं जिसके अंदर आना जाना लोडिंग वगैरह सब क्लब वाले का होता है और सात से आठ लोग हम लोग जाते हैं और जब बर्थडे पार्टी हम हम करते हैं लोकल शो सिटी के अंदर तो बर्थडे पार्टी में छः से सात हज़ार रुपये मिलते हैं इसके अंदर दो लोग हम जाते हैं और एक घंटे का शो करके आते हैं सब कलाकार को ये वाह चाहिए ऑडियंस सामने होती है तालियाँ बजती है तो उसी में कलाकार खुश हो जाता है तो उस खुशी को देखते हुए पैसे ज़्यादा मायने नहीं रखता है जब बहुत सारी ऑडियंस होती है सामने हज़ार दो हज़ार पब्लिक बैठी और तालें बज रही है तो कलाकार खुश हो जाता है बस मेरा पेमेंट हो गया तो खर्चा चल जाता है ऐसा कोई नहीं है खर्चा नहीं चलता है चल जाता है खर्चा तो तो ये गोपाल जादूगर और योगिता जो मुझे लगता है सबसे छोटी जादूगर होंगी इस घर में हर कोने कोने में जादू की चीज़ें हैं बच्चा बच्चा जादू जानता है तो ये लोग हमें बता रहे थे इन्होंने करके भी दिखाया कि कैसे जादू किया जाता है कैसे सारी चीज़ें जो हम देखते हैं कबूतर उड़ाया जाता है लेकिन ये पढ़ाई में आगे जाना चाहती हैं साथ साथ में अपना जादू बरकरार रखना चाहती हैं और गोपाल जी भी अपने कला को आगे महत्व देते हैं क्योंकि पैसा तो कहीं से भी कमा सकते हैं लेकिन एक कलाकार सिर्फ तालियों का मोहताज होता है लेकिन फिर भी आज इन इस लोक कला को जीवित रखने के लिए इनकी ये आ, मांग है कि सरकार की तरफ से आ, कुछ प्रमोट किया जाए इनको पेंशन दी जाए इन कलाकारों को आ, बात की जाए आ, कुछ सुविधाएं मिलें जिससे कि जो ये राजस्थान की कलाएं हैं चाहे वो पपेट शो हो चाहे ये आ, जादू हो या कालबेलिया नृत्य हो इस तरह की चीज़ें खत्म ना होने पाए। मनीष मिश्रा गाँव जंक्शन